हाँ लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, लिमिट का अर्थ क्या होता है? ये वन है, वन के राइट हैंड साइड यानी उसके आसपास के बिंदु उसको बोलते हैं नेबर, सामीप्य। वन के आसपास राइट साइड के बिंदुओं को जो वो वन से बड़े होंगे तो क्या लिखेंगे अपन? वन प्लस। और वन से छोटे यानी वन में से कुछ ना कुछ लेस होगा तो वन माइनस। तो वन के लेफ्ट में आएगी कंडीशन तो अपन बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, वन के राइट में आएगी तो राइट हैंड लिमिट। कभी भी लिमिट का मतलब ये नहीं होता है कि एक्स टेंस टू वन का मतलब कि एक्स इक्वल्स टू वन पे लिमिट फाइंड करें, उसके आसपास वन के राइट साइड में भी हो सकता है या वन के लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, उन दोनों पे कंडीशन क्या होनी चाहिए? सेम आनी चाहिए, तब अपन बोलते हैं कोई भी फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। क्लियर? तो वन के नेबरहुड में, नेबरहुड यानी सामीप्य, उसके आसपास में, आसपास वन से बड़ा भी हो सकता है वन से छोटा भी हो सकता है। क्लियर? तो वन के आसपास में जो कंडीशन होगी उस कंडीशन में अपन बोलते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। कभी भी लिमिट का मतलब ये नहीं होता है कि वो एक्स इक्वल्स टू वन पे। हाँ वर्किंग मेथड में अपन लिमिट वैल्यू रखते हैं, बाकी कभी भी लिमिट का मतलब ये नहीं होगा कि एक्स इक्वल्स टू वन पे लिमिट फाइंड करें। तो एक्स टेंड्स टू वन में हमेशा कंडीशन वन के सामीप्य की होती है, नेबरहुड। वन के राइट साइड में जो होगी कंडीशन राइट हैंड लिमिट, वन के लेफ्ट साइड में जो लिमिट होगी वो लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अपन बोलेंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट है, राइट हैंड लिमिट वन की जगह कौन है? ए। राइट हैंड लिमिट का मतलब वन से बड़ा। क्लियर? यानी ए से बड़ा। तो ए से बड़ी कंडीशन को अपन क्या लिखेंगे? एक्स टेंड्स टू ए प्लस। ए से बड़ी कंडीशन होगी ए से ए प्लस, ये एफ एक्स। अब अपन बोल रहे हैं लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, इस एक्स की जगह ए प्लस एच रखें। एक्स की जगह क्या रखें? ए प्लस एच। ध्यान से देखना है कॉन्सेप्ट, जब एक्स ए प्लस की तरफ टेंड कर रहा है तब वो एच कितना होगा, किसकी तरफ टेंड करेगा? जीरो की तरफ। तो लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, इस एक्स की जगह अपन ने रख दिया ए प्लस एच। ये एच हमेशा कैसा होता है? ग्रेटर देन जीरो। लिमिट का मतलब होता है उसके आसपास की कंडीशन जीरो से बड़ी भी जीरो से छोटी भी, बट यहाँ एच हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ए प्लस आ रहा है यानी उसमें कुछ ऐड होगा। क्लियर? ऐड होगा तो ऐड होने वाला एलिमेंट हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। तो एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच की कंडीशन, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? फाइनाइट यानी परिमित, इसको बोल सकते हो या एग्जिस्ट, विद्यमान होनी चाहिए। क्लियर? तो ये कंडीशन अगर राइट हैंड लिमिट विद्यमान है या एग्जिस्ट है, ये फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट का मतलब वन से छोटा, वन से छोटा यानी वन में से कुछ लेस होगा। तो ऐसे छोटा तो क्या कंडीशन होगी? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इस एक्स की जगह क्या रख दिया अपन ने? ए माइनस एच। क्लियर? यहां पे भी एच कैसा होगा? पॉजिटिव। एक्स क्या होगा? ए माइनस एच। अगर एच नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव तो ए से बड़ा आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ ए माइनस है तो एक्स की जगह अपन क्या पुट कर देंगे? ए माइनस एच की कंडीशन। ये वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? एग्जिस्ट या फाइनाइट। तो इफ
लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फाइनाइट है एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट फाइनाइट भी है, दोनों आपस में इक्वल भी है, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट है वो एग्जिस्ट होगी और किसके इक्वल होगी वो जो भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट आई उसके इक्वल हो जाएगी यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो किसी भी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट होगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट भी हो और वो दोनों आपस में इक्वल भी एग्जिस्ट होने का मतलब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इंफिनिटी आ गई क्या ये फाइनाइट है नहीं इसको बोला जाता है ये फाइनाइट नहीं है यानी एग्जिस्ट नहीं क्या जीरो अपॉन जीरो आ गई क्या ये एग्जिस्ट है नहीं इनडिटरमिनेट फॉर्म क्लियर तो जो फाइनाइट वैल्यू आ जाए एग्जिस्ट हो तब अपन बोलेंगे उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी Algebra of limits. If limit x tends to a, fx किसके इक्वल हो? L के. And limit x tends to a, gx किसके इक्वल हो? M के. तो x tends to a, fx की वैल्यू L हो और gx की वैल्यू M हो. तो limit x tends to a, दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं या लेस हो रहे हैं. तो लिमिट की क्या कंडीशन होती है? जहां फंक्शन है, लिमिट वहां चली जाएगी. यानी ये लिमिट अलग अलग हो जाएगी लिमिट x tends to a fx प्लस माइनस लिमिट x tends to a gx fx पे लगाया n प्लस माइनस gx पे लगाया n की कंडीशन फिर वापस लिमिट x tends to a fx gx से दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे इस पे अलग से लिमिट आएगी और इस पे अलग से लिमिट आएगी क्लियर जहां फंक्शन होगा वहां वहां लिमिट चली जाएगी तो ये इस फंक्शन में लगाएंगे n जीएक्स पे लगाएंगे एम अगर डिवाइड में हो फंक्शन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स क्या होगी कंडीशन एल अपॉन एम कैसे एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स उस पर लगा रहे हैं एम लिमिट एक्स टेंड्स टू जी एक्स एम पर कभी भी हमेशा डिवाइड में कंडीशन हो उसका हर यानी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स जो एम है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा तभी ये लिमिट एग्जिस्ट होती नहीं तो अगर ये जीरो होगा तो क्या होगा इनफिनिटी वो एग्जिस्ट नहीं होगी तो कभी भी डिनोमिनेटर के लिए हर के लिए कंडीशन बतानी पड़ेगी वो नॉट इक्वल्स टू जीरो की फॉर्म में या फिर अपना यू हो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स उसकी पावर जी एक्स जहां फंक्शन है वहां लिमिट चली जाएगी एफ एक्स पे भी आ जाएगी जी एक्स पे भी आ जाएगी एफ एक्स पे आई यानी एल जी एक्स पे आई यानी क्लियर तो जहां फंक्शन वहां लिमिट चली गई एफ एक्स पे लगाया यू नहीं कि तुम बोलो ये एक बार कितनी भी फंक्शन हो जितने फंक्शन होंगे उन पे अलग अलग लिमिट ब्रेक हो जाती है चाहे वो डिवाइड में हो पावर में हो किसी भी फॉर्म में तो ये एल ये तो एल की पावर एम की फॉर्म में हो जाएगी ये कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना इसमें लिखा हुआ है एप्सिलॉन डेल्टा से करो अपन पहले सिंपल मेथड से करते हैं ना लिमिट फाइंड करनी हो टू प्रूव लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स साइन वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो क्लियर हाँ अब अपन देखिए सबसे पहले फंक्शन क्या है x sin 1 upon x और ये कितना है जो लेते हैं अपन जीरो लेफ्ट हैंड लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा f ऑफ a में से जीरो लेस होगा है ना यहाँ कोई लिमिट की कंडीशन नहीं लेफ्ट हैंड लिखे ये लिखे अंडरस्टूड है सेम बात है लिमिट x tends to a minus fx limit
एच टेंस टू जीरो, इस x की जगह क्या रख दें, a माइनस एच, ए में से कुछ लेस होगा a माइनस एच की कंडीशन। हाँ अब अपना आया फंक्शन के, फंक्शन की कंडीशन से क्या होगा, जहां एफ एक्स की वैल्यू है, जहां जहां एक्स है, एक्स साइन वन अपॉन एक्स, यानी जहां जहां एक्स है वहां क्या है ए माइनस एच, तो क्या कॉन्सेप्ट हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह पर ने रख दिया ए माइनस एच, साइन वन अपॉन ए माइनस एच, ये मेंशन करेंगे एच कैसा है पॉजिटिव, किसका यूज किया, बाय इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब मैं इस पर लिमिट लगाऊ, अब एक्स की जगह कौन है, सॉरी जीरो है अपना ना, मैंने ए लिख दिया, ये जीरो है, जीरो माइनस एच, ए रखा है बाद में वैल्यू रख दो या डायरेक्ट ही रखो, ये बाद में रखो तो बाद में, पहले रखो तो, तो ये क्या हो जाएगा, ए की जगह कौन है जीरो, जीरो माइनस जीरो की कंडीशन, क्लियर, क्योंकि ए अपना किस फॉर्म में है, जीरो की फॉर्म में, ए रख रहे हो तो भी राइट है, बाद में ए की जगह जीरो पुट कर दो। हाँ अब ये आ गई कंडीशन माइनस एच साइन माइनस वन अपॉन एच, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस वन माइनस एच साइन वन अपॉन एच, लिमिट लगाया ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, जीरो साइन इंफिनिटी, क्लियर, तो जीरो इंटू साइन इंफिनिटी कितना हो जाएगा अपने पास, साइन इंफिनिटी कितना होता है, अगर अपन साइन का एंगल रखे जीरो थर्टी फिफ्टी हंड्रेड किसी भी फॉर्म में, तो अपन ने क्या वैल्यू पढ़ी, माइनस वन से वन के बीच ही कोई वैल्यू होती, मैंने क्लोज इंटरवल लिखा, यानी ये दोनों तो इंक्लूड होगी और इसके भी, कभी भी साइन की वैल्यू टू पड़ी थ्री पड़ी नहीं, कुछ भी एंगल लेते जाए रिपीट होके यही वैल्यू आएगी, तो ये आ जाएगा जीरो इंटू माइनस वन टू वन के बिटवीन फाइनाइट वैल्यू, बिटवीन फाइनाइट परिमित राशि, ध्यान से देखना ये कौन सा, जब माइनस वन टू वन के बिटवीन कोई फाइनाइट वैल्यू है तुम बोल दो वो वैल्यू जीरो है, तो जीरो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा जीरो, बट तुम बोल दो वो वैल्यू वन है, वन जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा जीरो, तुम बोल दो माइनस वन है क्या हो जाएगा जीरो, तो कोई भी फाइनाइट वैल्यू को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगी जीरो, बट अगर ये जीरो यहां नहीं होता तो माइनस वन से वन के बिटवीन फाइनाइट वैल्यू, यानी ये है अपन, तुम बोल दो वो वैल्यू जीरो है, मैं बोल दू माइनस वन है ये वन है, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट हुई, बहुत सारी आ रही, एग्जिस्ट होने का मतलब फाइनाइट और यूनिक होना, केवल और केवल एक होना, ये तो एक से ज्यादा आ रही है, तो उस कंडीशन में अपन बोलेंगे अगर यहाँ जीरो नहीं होता कि ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं होगी, कि ये वैल्यू माइनस वन से वन के बीच दोलन कर रही, ऑसिलेट हो रही, तो उस कंडीशन में नॉट एग्जिस्ट हो जाए, बट जब ये जीरो से मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या आ जाएगा जीरो, तो ये आ गई अपने पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जीरो, अब इसी को अपन बोल रहे हैं राइट हैंड लिमिट, यानी एफ जीरो प्लस जीरो ए कितना हो गया जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस ये एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच क्या हो जाएगा, जहां जहां एक्स है वहां एच रखते जीरो प्लस एच, यानी एच तो एच साइन वन अपॉन एच, वापस लिमिट रखे जीरो इंटू साइन इनफाइनेट, जीरो साइन इनफाइनेट यानी माइनस वन टू वन के बिटवीन फाइनेट वैल्यू, क्लियर, तो किसी भी फाइनाइट वैल्यू को जीरो से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा जीरो, तो ये कैसी हो गई, एग्जिस्ट पार्ट भी ले सकते हो फाइनाइट भी लिख सकते हो, विद्यमान या फाइनाइट,
क्लियर विद्यमान है। तो बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड लिमिट के। तो अपन बोलेंगे फंक्शन की लिमिट जीरो पे एग्जिस्ट है और लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। ये फंक्शन की लिमिट क्या आ जाएगी, जीरो। क्लियर। तो ये वैल्यू जो है एग्जिस्ट है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, तो आप बोलेंगे सो हेंस लिमिट x टेंड्स टू जीरो फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। जीरो यानी अब अपन यहाँ पे ना प्लस लगा रहे हैं ना माइनस लगा रहे हैं, प्लस माइनस दोनों हट गया। सिंपल x टेंड्स टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इक्वल थी अपने उसके इक्वल हो गई। क्लियर, ये कंडीशन प्रूफ हो गई। ये है टू प्रूव लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, इस पे भी एप्सिलॉन डेल्टा से करना है, पहले मैं सिंपल मेथड से बता रही हूँ ना, ये कंडीशन टू ए प्रूफ करनी है अपने को। तो सबसे पहले एफ एक्स क्या है, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस यानी एफ ऑफ ए प्लस जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। क्लियर, राइट हैंड रूल है, ये कंडीशन ले सही लिखी मैंने, यहां क्या आ जाएगा ये कंडीशन, राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए प्लस जीरो, यहां कोई लिमिट नहीं लगती। यहां कैसी आ गई, अगर एक्स टेंड्स टू ए प्लस है तो यहां क्या होगा, फंक्शन ऑनली फंक्शन। क्लियर, ये इस पे लिमिट लग चुकी है तो ए प्लस जीरो, यहां लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस ले रहे हैं तो ऑनली एफ ऑफ एक्स है ना। अब जब एक्स की जगह अपन ने ए प्लस एच रखा तो एच एक्स की तरफ टेंड करेगा जीरो, और एच कैसा है अपना ग्रेटर देन जीरो की फॉर्म में। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच यानी जहां जहां एक्स है वहां क्या रख दे, ए प्लस एच, ये माइनस ए प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए प्लस एच माइनस ए, ए से ए कैंसिल। हाँ आप ध्यान से देखना, अगर मैंने एच की जगह जीरो रखा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो, जीरो अपॉन जीरो क्या वो एग्जिस्ट होगा क्या, नहीं, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस टू ए एच प्लस एच स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, ये लिमिट, जब तक आपने नीचे वाला एच कैंसिल नहीं हो जाता लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। ऊपर से एच कॉमन निकाल लें, क्या जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच कॉमन निकालो टू ए प्लस एच अपॉन एच, लिमिट लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा टू ए। क्लियर, ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट यानी ए में से लेस होगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पर एच टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एच की कंडीशन, जहां एक्स है वहां पर ने क्या रख दिया ए माइनस एच की कंडीशन, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और इस पे जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट कर दे ए माइनस एच, ए माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस एच माइनस ए, ए से ए कैंसिल, एच टेंड्स टू जीरो ओपन करो ए स्क्वायर माइनस टू ए एच प्लस एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, और ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच कॉमन निकाल लें माइनस टू ए प्लस एच अपॉन माइनस एच, एस एच
कैंसिल, माइनस वन बच रहा है, लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, टू है, ये क्या आ रही, ये क्या ऐसी आई वैल्यू फाइनाइट, ये और जरूर ना पहली में, ये भी कैसी आई फाइनाइट, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट फाइनाइट भी आ गई, तो ये क्या आ जाएगी कंडीशन, लिमिट एग्जिस्ट भी हो गई और इक्वल भी हो गई, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड लिमिट के, सो हेंस लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, ये फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होगी अपने 2a के, ये हेंस प्रूफ ना, यहाँ एस पे किया ये प्रूफ हो गई कंडीशन। हाँ, टू प्रूव लिमिट एक्सटेंड्स टू ए साइन 1 अपॉन x माइनस ए डज नॉट एग्जिस्ट, को एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये फंक्शन कितना है साइन 1 अपॉन x माइनस ए, कोई सी भी लिमिट निकाल लो, राइट हैंड f of a plus 0 x tends to a plus fx, limit s tends to 0 ये fx है ना, a plus h, जैसे ही s tends to 0 रखा ये कंडीशन, फंक्शन ये है, क्या करें फंक्शन में x की जगह क्या रखें a plus h माइनस है, और ये लिमिट s tends to 0 साइन ए से हटा 1 अपॉन एच क्या आ जाएगी, साइन इंफिनिटी माइनस 1 टू 1 के बिटवीन फाइनाइट वैल्यू, जो कि एग्जिस्ट नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, बिटवीन फाइनाइट वैल्यू, तुम बोल दो वो वैल्यू 0 है, मैं बोल दूंगा 1 है, बहुत सारी वैल्यू आ रही है, यानी ये वैल्यू माइनस 1 से 1 के बीच दोलन करती रहती, ऑसिलेट करती, तो ये फाइनाइट वैल्यू होगी जो कि एग्जिस्ट नहीं होती, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था जीरो भी मल्टीप्लाई होगा, क्लियर, जो कि एग्जिस्ट नहीं है, तो अपन बोलेंगे राइट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं है, इसलिए राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, लेफ्ट हैंड चेक करना चाहो तो भी राइट हैंड ही नहीं है, लेफ्ट हैंड चेक करने की जरूरत थी, इसलिए लिमिट एक्सटेंड्स टू ए साइन 1 अपॉन एक्स माइनस है एग्जिस्ट नहीं है, ये भी लिमिट क्या होगी एग्जिस्ट नहीं होगी, प्रूफ हो गया।